हेलो, आवाज आ रही है? चलिए देखिए, कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आप लोग का प्रैक्टिस बरकरार रहना चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो लेक्चर बना दे रहे हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आपको ईमानदारी से क्या करना है, एक कॉपी लेना है, मतलब रफ पेज लेना और पेन लेना है। एक से लेके 10 तक पहले नंबरिंग कर लेना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन दूंगा, फिर उसका आंसर खुद से लिखना है, फिर सही हो तो टिक करना है, गलत हो तो क्रॉस करना है, और जितना सही हो इस 10 में से, आउट ऑफ 10 जितना सही हो उतना कमेंट में लिखना है, ईमानदारी से, है ना। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले अपना आंसर लिख लीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा, फिर चेक कर लीजिएगा, सही हो जाए तो ठीक है, टिक लगाइएगा, गलत हो जाए तो क्रॉस कर लीजिएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन अल्फा डीके मास नंबर इज डिक्रीज बाई 4, बिल्कुल सही बात है, हीलियम का न्यूक्लियस रिलीज होता है, हीलियम का मास 4 होता है, ये बिल्कुल सही बात है। इन बीटा डीके मास नंबर रिमेन सेम, बीटा चाहे बीटा प्लस हो बीटा माइनस हो, मास हमेशा सेम रहता है, एटोमिक नंबर आगे पीछे होता है। गामा डीके एटोमिक नंबर रिमेन सेम, गामा डीके में चाहे मास की बात करें चाहे वो एटॉमिक नंबर की बात करें वो तो कांस्टेंट ही रहता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन। कंप्यूटर जी, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लाइए, ये रहा, इसको खुद से बनाना है ना, वीडियो को पॉज करना है, अच्छे से सॉल्व करना है इसको। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। कैसे होगा सी, इस बात को देखते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, इमेज का पोजीशन बताइए। पोजीशन हमेशा पोल से बताते हैं, पोल क्या होता है, पोल यहाँ पे होता है ना। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10। अच्छा, ये कैसा मिरर है ये बताइए, ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। कितना है, 10 है तो मतलब क्या हो जाएगा, -10। ये समझ में आया? चलिए अब क्या क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब हमको यू दिया हुआ है, यू कितना है, -15 सेंटीमीटर, और एफ कितना दिया हुआ बोलिए, -10 सेंटीमीटर, है ना, और हमसे पूछ रहा है वी कितना हो गया बताइए, तो मिरर इक्वेशन लगा दें, तो क्या मिरर इक्वेशन क्या था, 1 by f = 1 by v + 1 by u, है ना, यही था। 1 by f कितना है बोलिए, 1 by -10 = 1 by v, कितना है, v जो है कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ये तो हमको निकालना ही है, पुट कर देते हैं, और उसके बाद क्या है, प्लस वन, ये क्या हो रहा है कंप्यूटर जी, +1 by u कितना दिया हुआ है बताइए, -15, है ना। चलिए अब एक काम करें, ये 1 by 10 को इस साइड लेके आ जाते हैं, और अच्छा इससे भी निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब क्या, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं 1 by -15 को, तो ऐसा लिख सकते हैं बताइए, 1 by 15 -1 by 10 = 1 by v, ऐसा लिखें तो कोई दिक्कत है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, इसको इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। अब 30 और ये 15 दुना 30, माइनस माइनस कितना है बताइए, माइनस हो जाएगा आपको 3 दही 30, है
ना, 10 या 30 -3 ये रहा इज इक्वल टू 1/v, है ना। 2 -3 इसका मतलब कितना आ जाएगा बताइए, इधर ऊपर लिख देते हैं ना, ऊपर लिख देते हैं, -1/30 इज इक्वल टू 1/v, -1/30 इज इक्वल टू 1/t, तो भी कितना आ जाएगा बताइए, -30, -30। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, आंसर सी नहीं होगा, ये गलती हो गया ना, आंसर हो जाएगा डी, कंप्यूटर जिसको मिटा के डी लिखिए यहाँ पे, चलिए डी, है ना। चलिए समझ में आया, अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, है ना। चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लाइए स्क्रीन पे, ये रहा फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, है ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करवा चुके हैं, आपके बोर्ड में भी आया, उसमें था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज क्या होगा, बताए थे आपको प्लेन मिरर जो होता है वो ऐसे कर्व मिरर का पार्ट होता है जिसका कि रेडियस इनफिनाइट होता है, रेडियस क्या होता है, इनफिनाइट होता है। तो प्लेन मिरर का आपको, प्लेन मिरर का दो चीज आपको ध्यान में रखना है, प्लेन मिरर का जो है वो रेडियस जो होता है वो इनफिनाइट होता है। अच्छा क्या फोकल लेंथ बराबर रेडियस अपॉन टू होता है, फोकल लेंथ बराबर, यही तो हम जानते हैं, जब रेडियस इनफिनाइट हो गया तो फोकल लेंथ बराबर भी तो इनफिनाइट बाय टू, इनफिनाइट बाय टू मतलब क्या, इनफिनाइट, तो कितना हो जाएगा रेडियस, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। चाहे प्लेन मिरर का फोकल लेंथ पूछे या प्लेन मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो क्या बोलना है, इनफिनाइट बोलना है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफिनाइट होता है, फोकल लेंथ भी इनफिनाइट होता है, किसका, प्लेन मिरर का। ओके चलिए, जिसका जिसका सही हुआ है उसके आगे लिखे टिक लगाइए, जिसका गलत हुआ है तो क्रॉस कीजिए, है ना, ईमानदारी से। फोर्थ नंबर पे द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन, ये दिया हुआ है कोई न्यूक्लियाई थोरियम का, है ना, इसमें टोटल कितना प्रोटॉन है, अब अपना अपना आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए प्रोटॉन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन, जेड पूछ रहा है, जेड ही तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कंप्यूटर जी इस तरह मत कीजिए, ये गलत बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए, एटॉमिक नंबर। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिन्होंने ए दिया उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, जिनका जिनका बी है उसको सही कीजिए, जिनका बी नहीं है उसको गलत कीजिए, फिर लास्ट में हम पूछेंगे कितना सही हुआ आपका, कितना गलत हुआ, जितना सही हुआ उसको आपको कमेंट में लिख देना है ताकि मैं भी देख पाऊं आपका कितना सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ला दीजिए, ये रहा 5 नंबर, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, आपको रेनबो पढ़ाए थे रे ऑप्टिक्स के लास्ट में, है ना, रेनबो जो होता है जो बनता है इनमें से कौन कौन फिनोमेना की वजह से बनता है ना, TIR होता है रेनबो में, बिल्कुल होता है, डिस्पर्सन होता है, बिल्कुल डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, तो क्या ये दोनों हो जाएगा, बिल्कुल दोनों हो जाएगा, नन, क्या इनमें से दोनों नहीं होगा, ये गलत बात है, ये दोनों ही सही आंसर है, क्या हो जाएगा, सी। अब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अपना नोट्स खोल लेना एक बार, है ना, रे ऑप्टिक्स का रेनबो को एक बार रीडिंग लगा लेंगे, समझ लेंगे कौन कौन सा फेनोमेना हो रहा था उसमें। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर जी 6 नंबर क्वेश्चन ला दीजिए स्क्रीन पे, ये रहा। चलिए द लॉजिक गेट शोन इन फिगर इज, इनमें से ये जो फिगर दिया हुआ है ये कौन से लॉजिक गेट का फिगर है, ऑप्शन इधर साइड में दिया हुआ है, ये और गेट का फिगर है, नॉर गेट का फिगर है, नैंड गेट का फिगर है, या इनमें से कोई नहीं, सोच लिए आप लोग क्या आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए, इसके ये जो फिगर जो दिख रहा है हमको ये कौन से गेट का फिगर है, देखिए कौन
और गेट का तो है नहीं, और गेट का कैसा सिंबल होता है अच्छे से क्लास में बताए थे, नॉट गेट का भी नहीं है, नैंड गेट का भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन हो जाएगा। तो ये फिगर है कौन से गेट का, ये एंड गेट का फिगर है, किसका फिगर है बताइए, एंड ग्लोजी गेट। समझ में आया, चलिए कंफ्यूज नहीं करना है। कंप्यूटर जी अब 7 नंबर क्वेश्चन ला दीजिए, ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन है, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, हैज इक्वल कर्वेचर। इक्वल कर्वेचर देखिए लेंस जो होता है कुछ इस तरह से बनता है ना, दो कर्वेचर मिलके, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस ठीक है, इसके अंदर का म्यू भी हमको दिया हुआ है 1.5, और ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल कर्वेचर है, तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कितना हो जाए, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, सिंपल है, ये म्यू वगैरह कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सिर्फ हमसे पूछ क्या रहा है, पावर, पावर ऑफ लेंस क्या जानते हैं बताइए, 1/f, और सेंटीमीटर में हो तो क्या बोलेंगे, 100/f, 100/f मतलब f को सेंटीमीटर में रखना है, अगर 1/f बोलेंगे तो f को मीटर में रखना है, तो यहाँ सेंटीमीटर दिया हो, क्या दिया 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला जिसमें सर्किल किए हम, तो पावर बराबर हो जाएगा 100/20 मतलब कि +5 डाइप्टर, अच्छा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। चलिए अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछना है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर जी 8 नंबर क्वेश्चन ला दीजिए स्क्रीन पे, ये लीजिए, वेव फ्रंट ऑफ लाइन सोर्स या लीनियर सोर्स इज, है ना, वेव फ्रंट जो होता है लाइन सोर्स और लीनियर या लीनियर सोर्स का कैसा दिखता है, स्फेरिकल दिखता है, प्लेनर दिखता है, या सिलेंड्रिकल दिखता है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताए थे 3 तरह का सोर्स बताए थे और 3 वेव फ्रंट बताए थे, बोले थे इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है ना, तो हम लोग सब दिन कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड देखते आ रहे हैं, तो और 1-2 दिन और देख लेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का बताइए, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अच्छा स्पेरिकल वेव फ्रंट किसका बनता था, पॉइंट सोर्स का, किसका बनता था पॉइंट सोर्स का, और प्लेनर बताइए जब सोर्स इन्फिनिटी पे हो, और सिलेंड्रिकल लिनियर सोर्स का, अच्छे से कॉपी में लिखा है ना, चलिए आंसर क्या हो जाएगा बोलिए सी बन गया, जिनका सही हो रहा है ईमानदारी से टिक लगाना है, गलत हो रहा है तो क्रॉस करना है, अभी काउंट नहीं करना है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, अभी बस सही गलत करना है और सवाल पे फोकस करना है, ये नहीं सोचना इतना गलत हो गया इतना सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कंप्यूटर जी 9 नंबर क्वेश्चन ला दीजिए स्क्रीन पे, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर YDSE, YDSE मतलब याद कीजिए क्या था, है ना, पढ़ाए थे आपको अच्छे से, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें अच्छे से बताए थे, फ्रिंज वगैरह बताए थे, कितना डार्क का कितना लेंथ होगा, कितना ब्राइट का कितना लेंथ होगा, ये सब चीज अच्छे से डिटेल में पढ़ाए आप लोगों को। चलिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, फ्रिंज फॉर्म ऑफ इक्वल विड्थ, बिल्कुल सही बात है, देखिए डिफ्रेक्शन में जो फ्रिंज बनता है उसका विड्थ धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन YDSE में जो फ्रिंज बनता है उनका विड्थ बिल्कुल इक्वल इक्वल होता है ना, एक ये भी डिफरेंस है डिफ्रेक्शन और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा पूछ रहा है विड्थ ऑफ फ्रिंज, विड्थ ऑफ फ्रिंज या बीटा बोलते हैं या इसको W बोलते हैं, है ना, कहीं बीटा मिलेगा कहीं W मिलेगा, मतलब विड्थ ऑफ फ्रिंज होता है ये लेमडा डी अपॉन डी होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये भी बिल्कुल सही है, आप चाहिए तो खुद से निकाल सकते हैं, एक बार ये क्वेश्चन आया भी था यही प्रैक्टिस सीरीज में, अच्छे से वहां बताया थे, आपके नोट्स में भी लिखा है ना। चलिए अब देखिए डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट YNB है ना, YNB मतलब डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये भी बिल्कुल सही है। अब बच क्या गया 4 नंबर, यही गलत होगा फिर भी देख लेंगे क्यों गलत होगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट स्मॉल डी इज ग्रेटर देन, थोड़ी ना होता है ये डी जो होता है आपको मच 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 लेस देन कैपिटल डी होता है, क्योंकि ये जो होता है आपको मिलीमीटर रेंज में होता है और ये आपको मीटर के रेंज में होता है, समझ में आया,
ग्रेटर नहीं, स्मॉलर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, डी। ओके, कोई दिक्कत है ना? जिनका जिनका डी है बहुत अच्छी बात है, आपका पूरा YDSC इससे रिवाइज हो गया लगभग, है ना। अब कंप्यूटर जी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे ला दीजिए, है ना। 9 नंबर तक बच्चे लोग बना चुके हैं, 10वां नंबर अब बनाना है। तो आप एक काम कीजिए कंप्यूटर जी, 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे ला दीजिए, ये रहा। चलिए, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, देखिए बीटा रेज एक चार्ज पार्टिकल होता है ना। बीटा रेज क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल है। जब ये चार्ज पार्टिकल है तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करेगा और आपको मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। आंसर हो जाएगा सी, बॉथ। ओके, चलिए ये हमारा सेशन अब कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी हम लोग कर लिए। अब आपको क्या करना है, जल्दी से चेक करना है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। जितना सही हुआ उस तरह लिखना, किसी का अगर 7 सही हुआ तो इस तरह लिखना 7/10, है ना, कमेंट में। किसी का 10 में से 10 सही है तो बहुत अच्छी बात है, तो 10/10 लिखना इस तरह से। चलिए मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग कल मिलेंगे। आज ऑनलाइन नहीं आ पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन स्लाइड बना हुआ था इसलिए मैं चाह रहा था कि रिकॉर्ड करके ही आप लोगों को दे दूं, है ना। तो आप लोग देखिए इनमें से जो गलत हुआ उसको, ठीक है, गलती होना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन गलती दोबारा ना होना, है ना। गलती ऐसा आप पढ़ लें कि एक बार जो गलत हो गया अब दोबारा गलत नहीं हो हमारा। तो वो क्यों, कैसे होगा, जो गलत हुआ उसको आप कहीं पे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जो गलत हुआ अभी समझे तो याद है ना, हो सकता है 10 दिन बाद फिर आप भूल जाए, फिर से आप यही गलती को रिपीट कर दें। तो इसको क्या करना है, इसको बीच बीच में कभी कभी देखते रहना, है ना। 2-3 बार देख लेंगे एग्जाम से पहले, हो जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। इसलिए गलत हुआ तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, है ना, लेकिन दोबारा गलती नहीं हो। और एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा आपका, तब दिक्कत है ना। चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। अब हम लोग कल मिलेंगे फिर इसी प्रैक्टिस सीरीज के साथ, उसमें हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे। आज कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऑनलाइन नहीं मिल पाए, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।